बाय टी स्टूडियो बार बार खोलने से आपका चैनल लेट हो जाता है या फिर वॉच टाइम कम जाता है। बाय टी स्टूडियो बार बार खोलने से आपका सब्सक्राइबर भी कम हो जाते हैं और वॉचिंग टाइम भी कम हो जाते हैं और व्यूज भी डाउन हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। नमस्कार, मैं सुष्मिता और स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल लाइफ स्टाइल सुष्मिता रॉयल में। तो आगे वीडियोस आप लोग देखिए और इस वीडियोस पे बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, तभी आपको पता चलेगा कि बार बार बाय टी स्टूडियो बार बार खोलना चाहिए या नहीं। कई लोगों के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि बाय टी स्टूडियो बार बार खोलने से व्यूज डाउन हो जाता है, क्या बाय टी स्टूडियो बार बार खोलने से सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं, वॉचिंग टाइम कम हो जाते हैं, चैनल डेड हो जाते हैं। तो वो लोग इस वीडियो पे बने रहिए। कुछ लोग ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं, बिगनर्स यूट्यूबर्स हैं, जो कि वीडियोस अपलोड करते हैं, उसके 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 1 घंटा बाद कंटिन्यू बाय टी स्टूडियो ओपन करके देखते रहते हैं कि व्यूज़ कितना आया और सब्सक्राइबर कितना बढ़ा और वॉचिंग टाइम कितना बढ़ा। तो वैसे लोगों को मैं बता दूं कि जो आप बाय टी स्टूडियो में देखते हो और जब आप बाय टी स्टूडियो में ओपन करके देखोगे कि व्यूज़, और डायरेक्ट यूट्यूब ओपन करके देखोगे व्यूज़, तो यूट्यूब में व्यूज़ कम थोड़ा दिखाएगा। अगर बाय टी स्टूडियो में दिखा रहा है 100 व्यूज़, तो यूट्यूब में 70-80 व्यूज़ दिखाएगा। यूट्यूब में हमेशा कम दिखाता है। जब तक आपका व्यूज़ बढ़ता जाएगा, कंटिन्यू रहेगा, तब तक आपको यूट्यूब में व्यूज़ कम दिखाएगा और बाय टी स्टूडियो में ज़्यादा दिखाएगा। जब तक रुक नहीं जाता है व्यूज़, तब तक वो पैरेलल मतलब बराबर नहीं दिखाएगा। जब रुक जाता है व्यूज़, तब दोनों का बराबर दिखाने लग जाता है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स के मन में ये सवाल रहता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि कहीं ना कहीं बाय टी स्टूडियो खोलने पे मेरा चैनल डाउन हो रहा है और व्यूज़ कम जा रहा है, मेरा चैनल डेट हो रहा है। और वैसे भी बहुत सारे यूट्यूब एप्लीकेशन में बहुत सारी ऐसी वीडियोस आप लोग देखे ही होंगे कि ऐसा थंबनेल रहता है, उनकी वीडियो रहता है, सावधान बाय टी स्टूडियो खोलने से, बार बार खोलने से आपका चैनल डेट हो जाता है। तो मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। क्या सच में बाय टी स्टूडियो ओपन करने से हमारा चैनल लेट हो जाता है? और ये जो आदत है बाय टी स्टूडियो बार बार ओपन करने का, वीडियोस अपलोड करने के बाद 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद कंटिन्यू ओपन करने का बाय टी स्टूडियो, ये आदत मेरे को भी है। और मैं बता दूं कि आप बाय टी स्टूडियो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार भी खोल लो, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। आप कितना भी बार खोल लो, और जो लोग कहते हैं कि फ़र्क पड़ता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरा भी चैनल है और उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कंटिन्यू बार बार, कोई दिक्कत नहीं।